चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के सीजन में अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ भी धोनी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और टीम के लिए नाबाद 52 रन बनाए। धोनी ने 22 गेंदों में 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 52 रन बनाए और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। धोनी ने इस दौरान अमित मिश्रा और ट्रेंट बोल्ट के ओवर में जमकर रन बटोरे। अमित मिश्रा के 16वें ओवर में धोनी ने छक्का लगाया, वहीं ट्रेंट बोल्ट के 17वें ओवर की पहली और दूसरी गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़कर धोनी ने साफ कर दिया कि वो रुकने वालों में से नहीं है। धोनी राइडू के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने का काम कर रहे थे। दिल्ली के सभी गेंदबाज धोनी की बल्लेबाजी के आगे बेदम नजर आ रहे थे। इस दौरान ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर कॉलिन मुनरो ने धोनी का कैच छोड़कर अपनी टीम की परेशानी और बढ़ा दी। राइडू रन आउट हो गए, लेकिन धोनी अंत तक नाबाद रहे और टीम को 212 रनों तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में आपको बता दें कि धोनी ने 3 गेंदों में 3 शानदार छक्के जड़े जो वाकई दर्शनीय थे और ऐसा लग रहा था कि पुराना धोनी अब वापस आ चुका है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।